हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे सिक्स स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 12, सिंपल मशीन्स। इस लेसन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फर्स्ट पार्ट को और बाकी के जो लेसन है उनकी वीडियो भी ज़रूर देखिए। देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी है। प्लेस अ पेंसिल ऑन ए टेबल, प्लेस अ रूलर ऑन इट एट राइट एंगल्स विथ इट, पुट अ पेपर वेट ऑन वन एंड ऑफ द रूलर, प्रेस द अदर एंड विथ योर फिंगर टू लिफ्ट द वेट। तो देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है स्टूडेंट, एक छोटी सी एक्टिविटी है। ये सारी चीज़ें आपको आपके घर पे भी मिल जाएगी। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से आपको पेंसिल टेबल के ऊपर रखना है और पेंसिल के ऊपर आप रखोगे एक बड़ा सा एक रूलर, और रूलर के एक साइड में आपको रखना होगा ये पेपर वेट, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, और अदर एंड, दूसरा जो एंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके ऊपर फिंगर की मदद से हेल्प से आपको एफर्ट लगाना है इस रूलर के ऊपर। विच आर दी लोड आर्म, द एफर्ट आर्म एंड दी फल्क्रम ऑफ दिस लीवर। तो देखिए, इसके पहले भी हमने जो एग्जांपल देखा था फार्मर का, वहाँ पर भी हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है। फिर से हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फल्क्रम क्या दिया हुआ है, तो पेंसिल है हमारी फल्क्रम, और जो पेपर वेट है ये है हमारा लोड, और जो ये फिंगर से हम लोग यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं तो ये है हमारा एफर्ट। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि लोड आर्म कौन सा है। तो देखिए, हमने पहले भी देखा था कि फल्क्रम जो है यहाँ पे, तो फल्क्रम से लेकर लोड की तरफ जो आर्म हमें दिखता है ये होता है लोड आर्म, और जो हमें फल्क्रम से एफर्ट की तरफ दिखता है ये होता है हमारा एफर्ट आर्म, और यहाँ पे फल्क्रम कौन सा है हमारा, पेंसिल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे। Now go on increasing the distance between the paper weight and the pencil by 4 centimeters every time and see whether the paper weight can be lifted when placed at each of those distance. तो देखिए अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा फलक्रम है, जो हमारा पेंसिल है इसका, और जो पेपर वेट है इसका डिस्टेंस हमें बढ़ाना होगा 4-4 सेंटीमीटर्स। आप क्या करोगे, पेंसिल को इस साइड में लेके आओगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 4-4 सेंटीमीटर से इसका डिस्टेंस बढ़ाओगे, और उसके बाद आपको देखना है कि अगर आप यहाँ पे एफर्ट लगाते हो रूलर के ऊपर तो ये जो हमारा पेपर वेट है लिफ्ट होने के लिए आपको कितना एफर्ट लगाना होगा। व्हाट डू यू फाइंड, तो आपको क्या मिलेगा ये आपको देखना है वहाँ पे। एज द एफर्ट आर्म बिकम्स लॉन्गर एंड लॉन्गर कम्पेयर टू द लोड आर्म, लेस एंड लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द पेपर वेट, सच अ लीवर इज कॉल्ड ए लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो देखिए, जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे, और जो हमारा लोड आर्म है इसका डिस्टेंस अगर बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स लग रहा है, एफर्ट लग रहा है रूलर के ऊपर, ये कम लगने वाला है, और यहाँ पे पेपर वेट क्या होगा, पेपर वेट को उठाने के, लिफ्ट करने के लिए फोर्स कम लगेगा। तो ऐसे लीवर को यहाँ पे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर, लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे दूसरा हम देखेंगे, यहाँ पे दूसरी एक एक्टिविटी आपको दी है फिर से। द पिक्चर शोज हाउ वी यूज एन ओपनर टू रिमूव द कैप ऑफ ए सॉस बॉटल, ट्राई टू द सेम यूअरसेल्फ टू रिमूव द टाइट फिटिंग कैप, द ओपनर इज रेस्टेड ऑन द कैप एंड वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द अपोजिट एंड ऑफ द ओपनर टू पुल इट अपवर्ड। सो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि स्टूडेंट हमने पहले भी देखा था कि ये सिंपल मशीन, सिंपल डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि ओपनर है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको बॉटल, और बॉटल को ओपन करने के दिया है यहाँ पे आपको ओपनर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये ओपनर है तो यहाँ पे एफर्ट कहाँ पे लगाते हैं हम, यहाँ पे एंड में, जो ओपनर का एंड है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, और लोड कहाँ पे है, किसको हमें यहाँ पे खोलना है, तो ये जो लीड दिख रहा है, जो ढक्कन होता है बॉटल का, ये है लोड, और जो कि यहाँ पे ओपनर का दूसरा साइड दिख रहा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे फिक्स होगा यहाँ पे लीड के ऊपर, और वहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तब जाके वो लीड खुलेगा, तो इसे कहा जाएगा फलक्रम। तो देखिए हमारा एक एंड में आ रहा है एफर, दूसरे एंड में आ रहा है हमारा फलक्रम, और लोड आ रहा है यहाँ पे बीच में। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमने देखा था, वहाँ पे चीज़ें अलग थी और यहाँ पे अलग है, इसको फिर से हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंसेस है। द कैप ऑल्सो गेट पुल्ड अप एज द ओपनर रोटेट्स अबाउट द फलक्रम, वेयर आर द फलक्रम लोड एंड एफर्ट इन दिस केस। तो हमने देख लिया कि फलक्रम कहाँ पे है, लोड एफर्ट कहाँ पे दिख रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग एफर्ट लगाते हैं ओपनर के यहाँ पे, और फलक्रम की मदद से यहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है, और ये जो लोड, जो लीड दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, ओपनर के साथ ओपन हो जाएगा। हाउ डू वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग टोंग्स। तो देखिए जो हम लोग घर में टोंग्स, जैसे चिमटा भी कहते हैं, चिमटे की तरह हम यूज़ करते हैं, तो किस तरीके से हम लोग लोड को लिफ्ट कर सकते हैं। द वेट और द लोड इज एट वन एंड ऑफ द आर्म्स ऑफ द टोंग्स, वी अप्लाई एफर्ट इन द मिडल ऑफ द आर्म्स, इट मीन्स द एफर्ट इज अप्लाइड इन द मिडल ऑफ द लीवर व्हाइल द फल्क्रम एंड द लोड आर एट अपोजिट एंड्स। तो देखिए टोंग की अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, आपको पिक्चर भी दिया है,
पिकिंग अप एन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अगर हम टोंग की मदद से कोई लोड उठाते हैं तो लोड कहाँ पे उठाएंगे, इस एंड में। और यहाँ पे एफर्ट कहाँ पे लगाना होगा, देखिए दोनों साइड से हम यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे मिडल में, तो हमारा जो एफर्ट है वो मिडल में आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जब प्रेस करेंगे तभी हम इस लोड को उठा पाएंगे। और इसका जो फुलक्रम होगा जो हमें हेल्प करता है यहाँ पे एफर्ट लगाने के लिए, वो आएगा दूसरे एंड में। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम नेक्स्ट देखेंगे, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लीवर्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द एफर्ट द फलक्रम एंड दी लोड। तो देखिए हमने जो तीनों एग्जाम्पल्स देखे उसमें हमें ये समझ में आता है कि फलक्रम, एफर्ट और लोड का जो पोजिशन है ये अलग अलग दिख रहा है। तो कैसे ये देखेंगे, देखिए लेवल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर में क्या हुआ था, फलक्रम इज इन द सेंटर। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि फलक्रम कहाँ पर आ रहा है, सेंटर में। उसके बाद लोड इज एट वन साइड, यहाँ पे वन एंड, और अदर एंड में था हमारा एफर्ट। जैसे कि हमने जो फार्मर का एग्जांपल देखा था उसमें क्रोबार यूज़ किया था, उसमें सेम ऐसे ही था, फलक्रम बीच में था, एक साइड में लोड था जो कि स्टोन था यहाँ पे, और एफर्ट जो कि फार्मर ने लगाया हुआ था। और जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल भी देखा पेंसिल वाला, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा कि फलक्रम हमारा बीच में आ रहा है और लोड दूसरे साइड में है और एफर्ट दूसरे साइड में आ रहा है। तो इसे ही हमने कहा था फर्स्ट ऑर्डर, लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या आएगा कि फलक्रम आएगा हमारे एक साइड में, लोड आएगा बीच में, और जो एफर्ट लगने वाला है ये आएगा दूसरे एंड में। तो इसका एग्जांपल हमने कौन सा देखा था, ओपनर का एग्जांपल। तो देखिए फिर से हम देखेंगे यहाँ पे ओपनर में क्या हुआ था, यहाँ पे एफर्ट एक साइड में आया था, लोड बीच में था, और फलक्रम जो था अदर एंड में था। उसके बाद तो इसे क्या कहा गया है, यहाँ पे लीवर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। लीवर ऑफ द थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, यहाँ पे द एफर्ट इज इन द सेंटर। जैसे कि हमने टोंग का एग्जांपल देखा, देखिए यहाँ पे एफर्ट बीच में आ रहा है, फलक्रम और लोड आएंगे अपोजिट एंड्स में। तो यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिया है बच्चों, अगर ये डायग्राम आप अच्छे से याद रखोगे तो कोई भी अगर एग्जांपल आता है तो उसको देखकर आपको समझ में आएगा। जो पोजीशन है यहाँ पे लोड, एफर्ट और फलक्रम की, इनको देखकर ही आपको समझ में आएगा कि ये कौन से ऑर्डर का लीवर हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो इनको आपको अच्छे से एक बार देखना होगा और समझना होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे अ पुली, टेक अ पेंसिल सम स्टिकिंग टेप एंड एम्प्टी रील ऑफ थ्रेड, हाफ अ मीटर ऑफ थिक थ्रेड, अ वेट सच एज एन इरेजर दैट कैन बी टाइड टू द थ्रेड, प्ले डो, प्लेस द पेंसिल ऑन द टेबल सो दैट इज जस्ट ओवर द एज ऑफ द टेबल। देखिए आपको एक एक्टिविटी है कि पुली जो होती है किस तरीके से काम करती है, ये आपको देखना है यहाँ पे। उसके पहले ना हम देखेंगे यहाँ पे जो बॉक्स में दिया है हमें, सम मशीन्स वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ आर शोन इन द पिक्चर, व्हाट इज द टाइप ऑफ लीवर इन ईच ऑफ दिस। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि सीसा होता है, सीजर होता है, इस तरीके की जो चीज़ें आपको दिख रही है यहाँ पे, कौन सा लीवर यूज हो रहा है, कौन से टाइप का। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया फलक्रम कहाँ पे है और एफर्ट लोड कहाँ पे, ये देख के आप इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और ये जो एक्टिविटी दी है पुली, इसके लिए आपको मटेरियल दिया है और आपको करना क्या है, प्लेस द पेंसिल ऑन द टेबल सो दैट इट जस्ट ओवर द एज ऑफ द टेबल। किस तरीके से आप फिक्स करोगे, यहाँ पे आपको ये पुली दी है, यहाँ पर ही एग्जांपल में आपको समझाऊंगी कि अगर सपोज यहाँ पे कोई एक पेंसिल है जिसको आपने इस तरीके से लगाया है कि जो टेबल की एज के बाहर निकल के आएगी। सपोज ये टेबल है, टेबल के बाहर आपकी ये पेंसिल इस तरीके से आनी चाहिए। फिक्स इट फर्मली टू द टेबल यूजिंग द स्टिकिंग टेप, और स्टिकिंग टेप यूज करके आपको यहाँ पे क्या करना होगा, टेबल के ऊपर उसको स्टिक करना होगा। इंसर्ट द रील ओवर द पार्ट ऑफ द पेंसिल दैट जस्ट आउट, जो भी पेंसिल का यहाँ पे बाहर आया हुआ एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे आप क्या करोगे, रील जो होता है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इस तरीके के जो रील होते हैं, इसको आपको क्या करना होगा, इस पेंसिल के अंदर डालना है। देखिए इस तरीके की पेंसिल है, इसे स्टिक किया हुआ है और यहाँ पे आपको उसको एडजस्ट करना होगा यहाँ पे। देन आप क्या करोगे, पुट अ लंप ऑफ द प्ले डो ऑन द टिप ऑफ द पेंसिल सो दैट द रील डज नॉट कम ऑफ। तो इससे क्या होगा, देखिए कि जो रील है आपका वो बाहर नहीं आएगा। अगर कोई पेंसिल है उसके अंदर यहाँ पे आपने अगर रील को फिक्स किया है और उसके यहाँ पे सामने आप अगर पेंसिल के यहाँ पे अगर डो को यहाँ पे लगा दोगे तो रील बाहर नहीं आ पाएगा। देन आपको क्या दिया है, ड्रॉ द थिक थ्रेड हैविंग द वेट एट वन एंड ओवर दिस रील, वॉट हैपन्स वेन द लूज एंड ऑफ द थ्रेड इज हेल्ड एंड पुल डाउन। तो देखिए ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझना होगा कि सपोज ये पेंसिल से आपने यहाँ पे टाई कर दिया है, यहाँ पे इस पेंसिल को यहाँ पे डो लगा दिया है, ये फिक्स हो जाएगा। एक थ्रेड को इस रील से आपको यहाँ पे डालना है और इस थ्रेड को हमने एक साइड में यहाँ पे लगाया है इरेजर इस तरीके से,
अगर हम लोग इस थ्रेड को लूज छोड़ते हैं तो क्या होगा, ये जो इरेजर हमने लगाया है ये यहाँ पे लोड का काम कर रहा है तो ये आ जाएगा हमारा नीचे। अगर हम लोग इस थ्रेड को खींचते हैं यहाँ पे डाउनवर्ड्स तो ये जो इरेजर ये जाएगा ऊपर इस तरीके से। सच अ डिवाइस विद अ ग्रूव व्हील एंड थ्रेड डिजाइन टू लिफ्ट वेट्स इज कॉल्ड अ पुली। तो इस तरीके से जो वेट्स को उठाने के लिए ऊपर खींचने के लिए अगर कोई ग्रूव व्हील, इस तरीके का व्हील जो है अटकाया हुआ है कहीं पे, ऐसे व्हील की मदद से और थ्रेड की मदद से अगर हम कोई भारी जो वेट्स होते हैं उनको उठाते हैं तो उसे पुली कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिख रहा है। हाउ डज इट हेल्प्स टू यूज़ अ पुली, तो ये कैसे हमें मदद करता है। इफ़ वी, देखिए यहाँ पे मीनिंग ही क्या आता है कि पुल करना, किसी चीज़ को हम पुल कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो इसीलिए उसको ये नाम दिया गया है। इफ़ यू यूज़ अ पुली फोर्स कैन बी अप्लाइड इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन फॉर लिफ्टिंग द वेट इन एंड अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए अगर हमें ये वेट अपवर्ड की साइड में उठाना है जैसे कि, तो हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड को डाउनवर्ड खींचेंगे। देखिए इस तरीके से अगर हम थ्रेड को नीचे खींचेंगे उस टाइम क्या होगा, ये जो लोड है ऊपर की तरफ आएगा, और जब हमें ये लोड नीचे लाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड को ऊपर की तरफ लूज छोड़ देंगे तो अपने आप ये जो लोड है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरीके का ये काम करता है। दिस इज़ कन्वीनियंट एंड ईजी, यू मस्ट हैव सीन सम एग्जाम्पल ऑफ पुलीज इन डे टू डे यूज़, मेक अ लिस्ट ऑफ दिस। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपके घर में भी दिख जाएंगे या फिर बाहर आप जहाँ पर भी देखोगे तो उसका आप क्या करोगे, लिस्ट बनाओगे। व्हील एंड एक्सल, तो ये क्या होता है ये देखेंगे। फर्स्ट आपको दिया है, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एंजॉय सिटिंग ऑन अ जायंट व्हील, वॉट मेक्स द जायंट व्हील गो राउंड। तो देखिए स्टूडेंट आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा जब आप लोग जायंट व्हील जो होता है उसमें बैठे होंगे। तो देखिए अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पे एग्जाम्पल पिक्चर भी दिया है तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो ये जो जायंट व्हील होता है किस तरीके से रोटेट करता है, द जायंट व्हील इज फिटेड टू अ रॉड एट इट्स सेंटर। तो क्या होता है देखिए, जायंट व्हील जो होता है ये यहाँ पे देखिए बीच में इस तरीके के रॉड होते हैं जो कि इससे यहाँ पे फिक्स किया होता है। When the axle starts rotating with the help of electricity, the wheel fitted to it also start rotating. तो जब electricity के help से जब ये axle घूमता है तो यहाँ पे इसके जो wheel fix किए जाते हैं ये भी घूमते हैं, और जिसके कारण ये पूरा giant wheel जो है circular motion में इस तरीके से घूमता है। This combination of an axle and a wheel is a simple machine. We see innumerable examples of its use. तो यहाँ पे इस तरीके के कई सारे सिंपल मशीन्स हमें दिख जाएंगे जिसमें कि एक्सल और व्हील्स के मदद से रोटेट किया जाता है किसी भी मशीन को। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको भी दिख जाएंगे, और यही एग्जांपल दिया है हमें जायंट व्हील का जहाँ पे एक्सल यूज़ होता है और व्हील्स यूज़ होते हैं जिसके कारण पूरा जायंट व्हील सर्कुलर मोशन में घूमता है। व्हेन द पेडल ऑफ ए बाइसिकल इज रोटेटेड द व्हील स्टार्ट रोटेटिंग, हाउ डज दिस हैपन। तो देखिए ये एग्जाम्पल तो सबको पता होगा कि हम लोग बाइसिकल चलाते हैं उस टाइम अगर हम लोग क्या करते हैं पेडल मारते हैं तो व्हील जो है स्टार्ट होते हैं, रोटेटिंग करना स्टार्ट होते हैं और हमारी साइकिल जो है चल पाती है। तो ये कैसे होगा ये आपको यहाँ पे सोचना है। तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया उसी तरीके से होता है ये। मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, तो देखिए जो मशीन्स हम लोग यूज़ करते हैं उनको मेंटेन करना रखना भी ज़रूरी होता है। पार्ट्स ऑफ मशीन्स रब अगेंस्ट वन अनादर व्हेन दे आर यूज, तो हम लोग जब ये मशीन यूज़ करते हैं तो उनके पार्ट जो है एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं यूज़ होते हैं। सॉइल डस्टी पार्ट्स क्रिएट मोर फ्रिक्शन, तो जो सॉइल होती है जैसे कि बाइसिकल है हम लोग अगर बाहर यूज़ करते हैं, कोई मशीन है उसको बाहर यूज़ करते हैं तो सॉइल के कारण, डस्टी पार्ट्स के कारण, डस्टी मटेरियल्स के कारण, धूल के कारण क्या होते हैं ये फ्रिक्शन बढ़ता है जिसके कारण मशीन्स खराब होने के भी चांसेस होते हैं। सम पार्ट्स अफेक्टेड बाय द वेदर रस्ट एंड इरोड, तो अगर कुछ पार्ट्स मेटल्स के बनते हैं तो वो रस्ट होना शुरू हो जाते हैं वेदर के कारण, अगर रेनी सीजन है तो रस्टिंग होती है, इरोडेशन होता है, तो इसके कारण हमें उनकी केयर करनी चाहिए। मशीन्स गेट डैमेज और बिकम यूजलेस ड्यू टू सच वियर एंड टीयर, तो इस तरीके से अगर वेदर के कारण या फिर रस्टिंग हो रही है तो मशीन्स डैमेज हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं और फिर हम लोग उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। टू अवॉइड दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ मशीन्स, और इसीलिए हमारे मशीन्स की हमें केयर करनी चाहिए। ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ ए मशीन ऑल इट्स पार्ट्स आर वाइप क्लीन, ऑयल और लुब्रिकेंट इज रिलीज बिटवीन पार्ट्स दैट रब अगेंस्ट ईच अदर सो दैट देर इज अ लेस फ्रिक्शन बिटवीन देम एंड द वियरिंग इज रिड्यूस। तो देखिए जैसे पार्ट्स होते हैं कोई भी मशीन्स होते हैं पार्ट्स से वहाँ पे अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं घर में ऑयल या फिर जो लुब्रिकेंट होता है तो उसमें हम डाल देते हैं जिसके कारण क्या होगा कि फ्रिक्शन कम होता है और मशीन भी खराब नहीं होता है।
मशीन्स आर कवर्ड वेन नॉट इन यूज टू प्रिवेंट डस्ट सेटलिंग ऑन देम। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मशीन्स को यूज़ नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे कवर कर देंगे अच्छे से, कि जिसके कारण उसमें धूल मिट्टी या कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं बैठेंगे तो ख़राब नहीं होगा। टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ वेदर मेटेलिक पार्ट्स इन द मशीन्स आर पेंटेड एक्सटर्नली एंड द मशीन्स आर ऑलवेज केप्ट ड्राई। तो जो मशीन्स होते हैं उन्हें हमेशा ड्राई रखिए, गीला मत रखिए, क्योंकि वो रस्ट हो जाते हैं अगर मेटल के बने हुए थे तो। और उसके बाद अगर मेटेलिक पार्ट्स है तो उन्हें पेंट किया जाता है, जिनके कारण वो ईजिली ख़राब नहीं होते हैं। डू यू नो में देखेंगे, बिग फैक्ट्रीज हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मशीन, फैक्ट्रीज आर क्लोज एट रेगुलर फिक्स पीरियड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। तो देखिए यहाँ पे अगर फैक्ट्रीज होती है, अलग अलग उनका डिपार्टमेंट होता है, तो एक अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट होता है मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। तो देखिए पूरी जो फैक्ट्रियाँ चलती है मशीन्स के ऊपर ही डिपेंड है। अगर मशीन्स अच्छे से रहेंगे, उनका मेंटेनेंस अच्छा रहेगा, तभी तो फैक्ट्री अच्छी चलेगी। तो इसके लिए उसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो कि मशीन के मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इफ मशीन्स आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड दे विल बी ऑफ नो यूज़ वेन वी एक्चुअली नीड देम। तो देखिए अगर कोई मशीन है, आपने घर पे लाया, उसको यूज़ किया, उसके बाद आपने उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, साइड में रख दिया, और जब आपको ज़रूरत है तब अगर आप निकालोगे तो वो अच्छे से काम करेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपको उसे मेंटेन करना, उसे कवर करके रखा है या नहीं, उसे पेंट करके रखा है क्या नहीं। अगर मेटल का है तो वो तो वैसे ही रस्टिंग हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। बिफोर वी यूज़ अ मशीन वी मस्ट लर्न हाउ टू हैंडल इट प्रॉपरली सो दैट देर आर नो एक्सीडेंट्स। अगर आपको मशीन यूज़ करना ही नहीं आता है, अगर आपने वॉशिंग मशीन लाया घर पर, आपको पता ही नहीं है कैसे मशीन चलाना है, और कोई भी बटन आपने वहाँ पर दबा दिया तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। या फिर स्विमिंग मशीन जो आती है, सिलाई मशीन, वो भी आपको यूज़ करना नहीं आता है तो क्या होगा, वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, आपको लग सकता है या फिर मशीन भी खराब हो सकता है। वॉट वी हैव लर्न, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा, मशीन्स आर यूज फॉर रिड्यूसिंग एफर्ट एंड डूइंग मोर वर्क इन लेस टाइम। तो कम से कम टाइम में अच्छे से अगर कोई काम करना है और हमारे एफर्ट कम करने हैं तो हम लोग मशीन्स को यूज़ करते हैं। सम मशीन्स आर सिंपल वाइल अदर आर कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने ऑलरेडी देखा द वेट, द लीवर, द इंक्लाइन प्लेन, द पुली एंड द व्हील एंड एक्सल आर सिंपल मशीन, जिसको हम लोग डेली यूज़ करते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लीवर्स बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ एफर्ट, लोड एंड फलक्रम, जिसे हमने ऑलरेडी लेसन में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है और आपको वो समझ में भी आया होगा। मशीन शुड बी मेंटेन प्रॉपरली टू कीप देम इन गुड वर्किंग कंडीशंस। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो सारी चीज़ें हैं ये डे टू डे लाइफ के मशीन्स के बारे में थी, लेकिन ये आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आई होप आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यह लेसन अच्छा लगा है या फिर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।